पृथ्वी, बब्बर शेर तेरे सारे दुश्मन खुदी हो गए ढेर। फिर इस वक्त शेर को डिस्टर्ब करने कौन आ गया? क्या बात है, बेखुदी मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। देखते ही नशा हो गया। जो खबर मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ वो सुनकर तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्या बात कर रही है, तो बताओ जल्दी। तो सुनो आज की सबसे ताजा खबर, ये जो करण और पीता है ना, जो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमेशा हमारे पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ऋषभ की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी खुद की खुशियों पे ग्रहण लग गया है। क्या बात कर रही हो, तुम तो बहुत खुश लग रही, लगता है कोई धमाकेदार खबर लाई हो। जल्दी बताओ। यस, जो प्रीता नाम की प्रॉब्लम है ना, वो हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए आउट। वो कैसे? अरे करीना ने मुझे बताया कि उन लोगों ने प्रीता से कह दिया कि वो लूथरा मैंशन कभी वापस ना आए। प्रीता जी अब हमारे घर में कभी नहीं आएंगे, वो सिर्फ तेरी झूठी कहानियों की वजह से। क्या चलता है तेरे दिमाग में, क्यों बोलता है तू झूठ? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ क्यों बोलता है करण? हो जो कुछ भी हो रहा था तू उसमें बराबर का जिम्मेदार था, तो फिर सारी बुराई सिर्फ प्रीता जी के हिस्से की। तू मुझे एक बात बता, ये कहां का इंसाफ है? ये सारा अपमान उनके सर पे, सारा इल्जाम उनके सर पे क्यों? हेलो, अब हेलो करण, आई एम सॉरी। क्यों? वो सरला आंटी आई थी और उनको उन्होंने हाँ मुझे पता है। प्रीता मैं क्या करता यार, आई मीन मेरे सामने मेरे अपनों के साथ तुम्हारे साथ इतना गलत हो रहा था तो मैं चुप थोड़ी ना बैठ सकता था यार। I mean, मेरी क्या गलती है यार, मैं तो तुम सबका अच्छा चाहता था ना यार। तुम जानती हो मैं चीटिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैंने जो कुछ भी किया हम सबकी अच्छाई के लिए किया यार। वैसे सरला आंटी कह रही थी कि तुम आज के बाद घर नहीं आओगी। बोलो ना यार, तुम सच में घर नहीं आओगी? वो आई मीन मेरा मतलब पर्सनल बात अलग है, लेकिन प्रोफेशनली यू आर अ डॉक्टर, दादी को तुम्हारी जरूरत है। हाँ तुमने ठीक कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन करण उससे पहले मैं एक बेटी हूँ और मैं मेरी माँ का कहा टाल नहीं सकती। ये जिंदगी उन्हीं की दी हुई है और इस पे सबसे पहला अधिकार उन्हीं का है। मैं अब उस घर में वापस नहीं आऊंगी। Are you sure? मेरा मतलब है तो तुम्हारी जॉब, you are a doctor? अब बातें इतनी सिंपल नहीं रही है, सब कुछ बहुत उलझ गया है। गलती मेरी ही तो है। था तो जॉब ही, प्रोफेशन था, मैंने ही पर्सनल बना दिया। सोचा कि अपना परिवार है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अब मैं उस घर में नहीं आऊंगी। करण Please don't do this. Wow! बाद में मुकर तो नहीं जाओगे? वादा करो कि रिश्ता तोड़ दोगे? एक शर्त। क्या? अगर तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती? मैं सच बताऊं? क्योंकि मुझे तुम एक बेईमान आदमी लगते हो। I appreciate your honesty. Thank you. चलो ठीक है, रिश्ता तोड़ता हूँ आज मैं। I'm very happy. पर्दा प्रेस होकर आ गया है। सृष्टि कम से कम इतनी लंबी। आप यहाँ एकदम ऐसे अचानक? बेटा रिश्ता तोड़ने आए हैं। सृष्टि के साथ?
खुश रहिए खुश रहिए। तकरार का रिश्ता, वो क्या है ना आंटी जी, मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आपको मैं पसंद हूँ, आप मुझे अपना मानती हैं, उसी तरह मेरी सिस्टर इन लॉ भी मुझे अपना माने और अपना जीजू कबूल करे। अब आप ही बताइए ना आंटी जी, आप मुझे मुझे हेल्प कीजिए, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को इम्प्रेस कर सकूं और मैं उन्हें पसंद आने लगूं। अरे नहीं बेटा, सृष्टि तो बहुत पसंद करती है आपको, सच में आपको अपना जीजू मानती है। ये बेईमान जुबान पे मक्खन लगा के आता है क्या, 2 सेकंड में बात को पलटी कर देता है। गिरीश, भाभी और ऋषभ को बुला दो, कहो मैंने बुलवाया, बैठिए ना प्लीज। अरे करीना, घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? मॉम और भाई डॉक्टर के पास गए हैं, मॉम के लिए नए डॉक्टर को अपॉइंट करना है ना। ऋषभ भी जाना चाहता था पर मैंने उसे रोक लिया, मैंने कहा डॉक्टर्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे, नॉन से तो एक ही है ना। राइट right. अरे पंडित जी आ गए, नमस्ते, प्लीज बैठिए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते। नमस्ते संजना, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं राखी जी? बिल्कुल ठीक। कैसी हो बेटा? अच्छा, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। क्या बात है राखी जी, मतलब मुझे हमेशा आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखने की आदत है, आज आपकी वो स्माइल कहाँ गायब हो गई? सब ठीक है ना? मेरी स्माइल कोई अपने साथ ले गई, जिसके लिए वो स्माइल थी वही नहीं है तो। भाभी संजना चाहती है कि आज ही शादी और हल्दी की डेट फिक्स कर दी जाए, इसीलिए पंडित जी को अपने साथ लाई। कैसे हो तुम? कितने दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई, मेरी तो आंखें तरस गई थी अपने होने वाले दामाद को देखने के लिए। चलो आज ये इच्छा पूरी हो गई, आई एम सो हैप्पी। गॉड ब्लेस यू। भाभी पंडित जी के लिए कुछ स्नैक्स का इंतजाम कीजिए ना प्लीज। ओह या ऑफ कोर्स, आई एम सो सॉरी, ये बात मुझे पहले ही सोच लेनी चाहिए थी, पता नहीं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं बस अभी आई। वो करण, कितनी कोशिश की थी तुमने कि मैं इस घर से बाहर हो जाऊं, लेकिन मैं तो इसी घर में हूं और वो भी फुल रिस्पेक्ट और लाड़ प्यार के साथ, और वो तुम्हारी मिडिल क्लास पिता, वो इस घर से बाहर हो गई और वो भी डांट फटकार के साथ। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम भी मुझे इस घर का हिस्सा समझो और रिस्पेक्ट करो, वरना इस घर की होने वाली बहू तुम्हारी ऐसी हालत करेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्या हुआ शाले? अपनी जीत से खुश हो? मैं नहीं चाहती कि इन दोनों को पता चले कि प्रीता ने शर्लिन के खिलाफ करण का ब्रेन वॉश कर दिया है। खुश क्यों नहीं होगी बेटा, हम इतनी खुशी की बात तो है। अरे कितना प्यार करती है ऋषभ से, जानते हो ऋषभ के लिए इसने स्लैम बुक बनाई है जिसमें इसने अपनी और ऋषभ की मेमोरीज को कैद कर रखा है। Isn't that cute? इसे कहते हैं ट्रू लव। राइट, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करीना कि हम सब परिवार के लोग यहाँ पर एक साथ बैठे हैं, वरना कोई ना कोई तो हमेशा यहाँ पर रहता ही है। अच्छा है आज कोई यहाँ नहीं है, एंड आई एम वेरी श्योर कि अब किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी। किसकी बात कर रही हैं? अब एक्चुअली व्हाट, सुन मोनिश, काम हो जाना चाहिए। हाँ आई मीन मुझे कोई ऐसी कंफर्मेशन चाहिए जिससे जिस पर सभी लोग यकीन कर लें। हाँ एकदम गारंटी से 100% कंफर्म, समझा? करण मैं एक डॉक्टर हूँ, और मुझसे ज्यादा शोर और कौन हो सकता है? अब ऐसा भी नहीं है कि मैं इस फील्ड में नया नया हूँ, बहुत सारों का एक्सपीरियंस है, तू टेंशन मत ले। और एक बात सुन, तू ना उस लड़की को कुछ भी करके मेरे क्लिनिक में ले, ठीक है? उसके बाद मैं सब कुछ देख लूंगा, भरोसा रख मुझ पर। थैंक्स यार इतना सब करने के लिए, सही बात, उसे तेरे क्लिनिक लाने की वो मैं ले आऊंगा, फिर तेरा जजमेंट है, जो कुछ तो बोलेगा वो ठीक है, लेकिन हाँ जब मैं हूँ तो तू क्लिनिक में रहना, मुझे और किसी से नहीं मिलना, समझा? अरे बोला ना, तो टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, सब हो जाएगा। और तू आ तो जा, इसी बहाने तुझसे मिल भी लूंगा। तेरे पास तो टाइम है नहीं दोस्तों से मिलने के लिए, अब काम के बहाने ही सही, तुझसे मिल तो लूंगा। तू ध्यान रख अपना, ठीक है? रखता हूँ, बाय।
करण भाई कर क्या रहे हैं? कॉफी मग में तेल क्यों डाल रहे हैं? हेलो, या क्या लग रहा है पंडित जी? समीर भाई, करण भाई का प्लान है क्या? कभी कैच कैच खेल रहे हैं, कभी तेल डाल रहे हैं, कॉफी मग पर तेल डाल के घूम रहे हैं, कर क्या रहे हैं? नो आइडिया यार, भगवान ही जानता है इनके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। रुक, देखने दे मेरे को। क्या कर रहे हो करण? खेलना है तो बाहर जाके खेलो। बुआ, I'm really sorry। करण, करीना दी सही तो कह रही है। पंडित जी पंचांग पर रहे, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब की बात नहीं है भाभी, कोई हर्ट हो गया तो? शालिनी, I'm really sorry, वो गलती से हाथ से छूट गई बॉल। बुआ और मॉम ठीक कह रहे हैं, मैं अपने रूम में जाके खेल लेता हूँ। Can you just pass me the ball? I'm really sorry। I'm sure इसने ये बॉल जानबूझ कर मेरी तरफ फेंकी, लेकिन इसका निशाना चूक गया। बहुत तीर चलाया तुमने मेरे खिलाफ, लेकिन हर बार तुम्हारा निशाना चूक जाता है। ब्लडी लूजर। इस बॉल को लेने यहां पर आए तभी बात बनेगी, कहीं वहीं से पास ना कर दे। क्या हुआ? हम क्या दोस्त, मतलब कंप्लीट का? हाँ। मगर किया कैसे? अरे वो इंजेक्शन देख के डर गई थी, और डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैंने इंजेक्शन देने के बजाय उसका ब्लड निकाल लिया। सुपर, बोला था ना सब हो जाएगा। अब क्या? अब उसका ब्लड हम टेस्ट के लिए भेजेंगे, और जैसे ही रिपोर्ट्स हमारे हाथ में आ गई, उसकी प्रेगनेंसी को हम 100% तक कंफर्म कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट से ना सबसे क्लियर रिजल्ट आते हैं, तो एक बार ब्लड रिपोर्ट हमारे हाथ में आ गई, उसके बाद कोई नहीं झुकला सकता। सुपर भाई, मैं भी टीम में हूं। वेरी गुड। माय गॉड, मतलब करण जानबूझकर मुझे यहाँ पे लेकर आए, मेरी सच्चाई सबके सामने लेकर आने के लिए, और ये डॉक्टर भी इसकी प्लान में शामिल है। ये ब्लड वाली मैं चेंज नहीं कर सकती। अरे मेरे पास यहाँ कोई और है भी नहीं जिसके ब्लड से इसे एक्सचेंज कर दूँ, और अगर इसे छुपा दी करण को सबूत मिल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और क्या करूं? श्रिष्टि, ये लड़की भी ना सारे कपड़े अंदर लाकर बेड पे फैला दिए, पता नहीं कब सुधरेगी। पता नहीं है इसे, जैसे कि सूखे कपड़े बाहर से अंदर लाते हैं तो उन्हें तय करके अलमारी में रखते हैं, अब ऐसे ही मेरा काम बढ़ा दिया। लड़की भी ना दिमाग खराब कर। तुम्हारे पास दिमाग होता तो मैं खराब करता ना, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, वो फरवरी की 30 तारीख की तरह, और जब तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो, समझी? मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। प्रॉमिस? व्हाट प्रॉमिस? बजर बट्टू, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम में इतना एटीट्यूड क्यों है। यू नो आई हेट इट जब तुम बोलते हो दे करो। अरे कौन जानना चाहता है कि तुम कौन हो? मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो तो मैं जहाँ काम करती हूँ वो तुम्हारा घर है, इसलिए मुझे तुम्हें छेलना पड़ता है। हाय सोफिया। नो नो बेबी डॉल, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो क्या ना, आंधी करण लूथरा, लड़कियां आगे पीछे घूमती रहती हैं, मेरा दिमाग खाती रहती हैं। नहीं, मैं तो बस आई वाज जस्ट वेस्टिंग द टाइम। हाउ आर यू? एक मिनट खाना, ये फोन क्यों काटा? क्योंकि हम दोनों लड़ रहे थे ना, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी हमारी लड़ाई है। लेकिन मैं बात कर रहा था। पहले तुम इस लड़ाई को खत्म करो जो तुमने शुरू की थी। हम कहाँ थे? यही कि अगर तुम मुझसे बात करना छोड़ दोगी ना, तो मुझसे ज्यादा फर्क तुम्हें पड़ेगा। हाँ
सही कहा तुमने, मुझे ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगी, और उससे भी ज्यादा खुश पता कब होंगी, अगर मुझे तुम्हारे चेहरा देखने को कभी नहीं मिलेगा। सच में आमिर, तुम वाकई खुश हो जाओगी? मुझसे बात नहीं करोगी तो मेरा चेहरा नहीं देखोगी? हाँ प्रीता दी, दी हाँ, आप अभी करण सर के बारे में सोच रहे थे ना, ऐसी जैसे इंट्यूशन आया। नहीं तो रॉन्ग इंट्यूशन। जैसे खोने की आदत पाली है ना तुमने, नहीं आने वाली वो यहाँ, नहीं आएगी वो। हाय हाय करण भाई, भाई सुनो ना। बोल भाई, क्या हुआ आपको ऐसे खोए खोए से क्यों बैठे? नहीं तो मैं क्या खोया हूँ, I'm fine। पक्का ना? है प्रीता को तुम कुछ कर रहे हैं? बोलो। कुछ भी बोल रहा है यार, I mean मैं क्यों प्रीता को मिस करूंगा। हाँ करेक्ट, you have no reason। yeah। जब भाई सुनो ना, क्या मैं भी आपके साथ वो ICB वाली क्रिकेट पार्टी पे चल सकता? तूने ऐसे क्यों पूछा, मतलब तुझे क्यों लगा कि मैं प्रीता को मिस कर रहा था? ऐसे ही, सुनो आप मेरे को लेके चल रहे हो नहीं मेरे साथ? कोई वजह होगी ना तेरे पास कि तुझे क्यों लगा ऐसा कि मैं प्रीता को मिस कर रहा हूँ? क्या भाई बेकार की बात लेके बैठे हुए हो, देखो ना सुबह से घर में इतना कुछ हो गया, मूड इतना खराब है, सोचा मैं भी पार्टी कर लूँ थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। लेकिन सेमी मतलब कोई वजह होगी ना तेरे पास, तुझे क्यों ऐसा फील हुआ कि मैं प्रीता को मिस कर रहा हूँ? मेरे पास कोई वजह तो नहीं है, बट फुल प्रूफ है। प्रूफ? कैसा प्रूफ? अब देखो ना भाई, मैं तब से आपसे कह रहा हूँ कि मुझे पार्टी पे चलना है, मैं पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आपकी स्वीप प्रीता के टॉपिक से हट ही नहीं रही है, प्रीता के टॉपिक से। हाँ बोलो बोलो। तू बकवास बंद कर, अगर तुझे पार्टी में चलना है तो अपना मुंह बंद रख, चलना है तो जाके रेडी हो जा। पक्का ना रेडी हो जाओ ना? हाँ पूछने की जरूरत नहीं। श्योर? या ऐसे यार मूड इतना खराब है, थोड़ा दोनों भाई मिलकर पार्टी करेंगे, लेट्स डू अ ब्रदर्स नाइट आउट। चलो रेडी हो गया, ये पकड़ो, उदास मत हो ना। चलो बाय। I miss you, Miss Mental. I miss you. चांदी आंटी, आपको पता है मेरे दिल में ना बहुत दिनों से एक राज पल रहा है, और ये राज कभी कभार ना ऐसे उछल कूद करते रहता है अंदर। ये राज मुझसे कहता है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को ये राज बता दूं, पर मैं चिल्ला चिल्ला कर कैसे बता सकती हूँ, ये तो मेरा पर्सनल राज है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप ये किसी को नहीं बताओगे, और मैं आपसे प्यार भी करती हूँ ना, तो इसलिए मैं शेयर कर सकती हूँ ना ये। अच्छा ओके ठीक है, सुन लो राज क्या है। मैं उसे पसंद करती हूँ। पसंद नहीं, फिर पसंद बोल दिया मैंने, मेरा मतलब है मैं समीर, आई लव समीर। हाय मेरी बच्ची, माँ सदके कितने दिनों बाद अच्छी खबर सुनाई है, दिल को कितना सुकून मिल रहा है। मेरी प्रीता और सृष्टि खुश रहती हैं तो मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मैं अपाहिज हूँ, और मेरा दिल करता है कि मैं भंगड़ा पाऊँ गिद्दा पाऊँ। सच्चे बादशाह इन बच्चियों को ऐसे ही हमेशा खुश रखना। हेलो बॉम्बशेल। हेलो। जानता था कि तुम 100% आओगी, एंड मैं ये भी जानता हूँ कि ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम हो ही कमाल की चीज। बस एक बात का ध्यान रखना कि पार्टी में तुम जो कमाल दिखाने जा रही हो ना आज रात, उसके बारे में किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, खास करके उस गिल्ली डंडा पर।
उस क्रिकेटर करण को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि अगर उस पर बिजली गिरी तो गिरी कहां से. ओके ऑफ कोर्स, मैं हमेशा प्लानिंग के साथ आती हूं और इस बार भी मैं तैयारी के साथ ही आई हूं. फैंटास्टिक. यू नो व्हाट, तुम इस दुनिया की इकलौती ऐसी बॉम्ब हो जो इस पार्टी में ब्लास्ट कर सकती है. उस गिल्ली डंडा प्लेयर की धज्जियां उड़ जानी चाहिए, उसकी इज्जत, उसकी शान और शौकत हर चीज मिट्टी में मिल जानी चाहिए. यू नो व्हाट आई मीन. धज्जियां उड़ेंगी. Don't worry about it. वैसे भी मीडिया है ना जो आजकल की बहुत शार्प है. आधा काम मैं करूंगी और बाकी काम ये मीडिया करेगी. मीडिया को चटपटी खबरें चाहिए होती है और आज की ब्रेकिंग न्यूज बनेगी करण की. बेचारा टूट जाएगा. Fantastic. You know, मुझे जंगली बिल्लियां और कॉन्फिडेंट लड़कियां बहुत पसंद है. वो तो मैं हूँ. कम की मियाक. बेचारा गिल्ली डंडा प्लेयर, इस बार पृथ्वी मल्होत्रा तुझे ऐसा आउट करेगा कि तू मेरी दोनों डार्लिंग्स की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाएगा. एक मेरी शर्लिन बेबी की जिंदगी से और एक मेरी मासूम प्रीता. एग्जैक्टली. तुमने बिल्कुल सही सुना. मैं पहली और आखिरी बार तुम्हें तुम्हारी लाइफ की सच्चाई बता रही हूँ. तुम्हें ना मुझ जैसी लड़की इस पूरे देश में तो क्या, पूरे परदेश में नहीं मिलेगी. और परदेश तो छोड़ो, पूरे स्पेस में क्या, पूरे यूनिवर्स में नहीं मिलेगी. सादा सटक दी और भी है बोलने के लिए, क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ और इंटेलिजेंट भी, और ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर होता है. एंड आई लाइक यू. नहीं, लाइक तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन तुम तो स्पेशल हो, इसलिए आई लव यू. अगर सैमी ने सुन लिया ना कि उसको तो यही लगेगा कि मैं भांग पीकर आई हूं कहीं से. खलीफुकट इज्जत का फालूदा हो जाएगा, कचरा हो जाएगा. मैं और एक मिनट, मैं उसे आई लव यू क्यों बोल रही हूं? मुझे तो उसके मुंह से सुनना है आई लव यू. नहीं 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 नहीं, टेक टू आराम से. ओके. हेलो समीर, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि सर्च लाइट लेके भी घूमोगे ना तब भी तुम्हें मेरे जैसी लड़की नहीं मिलेगी. नहीं, ये बड़ा अजीब साउंड कर रहा है. ऐसा लग रहा है कि कोई अकड़ू लड़की एटीट्यूड में बात कर रही है. और अगर उसे ये एहसास हो गया कि मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ उसे, वो तो खामखा का बुरा मान जाएगा. और वैसे भी प्यार की बातें हैं तो प्यार से ही करनी चाहिए. ठीक है, लेट्स ट्राई अगेन. ओके, टेक थ्री. खाट दिया ना, गया मैं तो. दोबारा ट्राई करता हूँ. पिकअप 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 सृष्टि. इन लोगों जिस मैच के बारे में बता रहा था, व्हाट अ मैच. एक टाइम पे ऐसा लगा हम लोग मैच हार गए. और अब कहां चला गया? फोन उठाओ. पिकअप. सृष्टि को क्या हुआ है? मेरा फोन क्यों उठा रही है? अच्छी खासी बातचीत हो रही थी, मजा आ रहा उससे बात करके, फिर अचानक से क्या हुआ? कहीं मुझसे उसे नाराज तो नहीं है? लेकिन क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से वो गुस्सा हो मुझसे. पता नहीं इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है. एक काम करता हूँ, दोबारा ट्राई करता हूँ. नहीं यार, यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत शोर मच रहा है, भारी जाके डाल करता हूँ. Hi guys. Hi. Listen, हमारे फिजियो को किसी नए असिस्टेंट ने ज्वाइन किया है और वो चाहते हैं कि वो उस लेडी को हम सबसे मिलवा दे. Wow, that's a superb news. I mean, पहले वाली से बेटर होनी चाहिए यार. पहले वाली हड्डी जोड़ना तो दूर, छोड़ के रख देती थी यार. किधर हो? This way. Hi. One scotch for me.
आप जानते हैं मेरी इतनी टाइम की ख्वाहिश आज पूरी हो गई, आपसे मिलने की ख्वाहिश। मैं आज आपसे मिलके बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। हेलो मिस्टर करण, कैसे हैं आप? जुनेजा, मैं अच्छा, आप कैसे? सच पूछिए तो मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि आप मेरा ऑफर ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सर प्लीज कुछ सोचिए ना मेरे एलिगेंट अपीयरेंस के बारे में। अगर आप उसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे तो मेरा बिजनेस आसमान को छुएगा। हम आपको इतना देंगे, आप हुक्म तो कीजिए। एक मिनट मिस्टर, एक मिनट। मैंने आपको नंबर भेजा अपने बड़े भाई ऋषभ का, आप उनसे बात कर लीजिएगा क्योंकि मेरी लाइफ से जुड़े सारे फैसले वही लेते हैं। नाइस। ये लो तुम्हारा एडवांस। वो सामने देख रहे हो, करण दूसरा द क्रिकेटर, ये सब तुम्हें उसी के साथ करना है और गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? तुम्हें जो पैसे तुमने अपनी पॉकेट में डाले हैं ना, मुझे वापस लेने भी आते। मैम आप फिक्र मत करो, सब काम हो जाएगा। गुड, आप बात कर लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। सी यू। ड्रिंक। 2 मिनट सर। हाय। सो इतनी जल्दी नाम भी भूल गए? मोनिशा। मोनिशा, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? एक्चुअली नॉट, ये पार्टी इतनी बोरिंग हो रही है, लेकिन मेरी बोरियत को सिर्फ आप हटा सकते हैं। बिट ऑफ रोमांस एंड बिट ऑफ डांस। मोनिशा, एक्चुअली आई एम अ बिट डिस्टर्ब टुडे, किसी के बारे में सोच रहा हूँ बार बार, तो रियली सॉरी। So, who's that lucky girl? Oh, sir, aapka drink. Yeah. I'm sorry, sir. Sorry, sorry, sir. Sorry, sir. Sorry, ma'am. Kya kar raha hai yaar? Uski dress kharab kar di tune. Ma'am, galti se ho gaya. Sorry, ma'am. Karan, please aap meri help karoge? Please, mujhe mere room tak drop kar dijiye. Please.